नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। कानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। इस दौरान कोविड नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। कानपुर के 1994 बूथों में एक साथ मतदान हुआ। कानपुर के 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने मतों का इस्तेमाल किया। कानपुर के 10 ब्लॉकों में मतदान हुआ जो कि सुबह 7 बजे से 6 बजे तक खत्म हुआ। सहारनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बड़गांव क्षेत्र के जड़ौता पांडा गांव में रात 2 बजे वोट मांगने को लेकर दो पक्षों में नोकझोंक हो गई। वोट मांगने को लेकर जमकर फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों की कहासुनी ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद लाठी डंडे चले मारपीट कर एक दूसरे को घायल भी किया गया और एक कार को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। रामपुर में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हुआ। पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं ने आज वोट डाले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया। बिलासपुर वार्ड 2 से भाजपा प्रत्याशी इंद्रजीत कौर खेरा और प्रधान प्रत्याशी संतोष सिंह खेरा ने अपने गांव कशनाल में मतदान किया। चुनाव स्थल पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। हरदोई जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो गई थी। जिले के 168 अति संवेदनशील बूथों सहित 1836 मतदेय स्थल पर पड़ने मतदाताओं में सुबह 6 बजे से ही वोट डालने की होड़ देखी गई। मतदान के लिए सुबह 5 बजे से ही मतदाता बूथों पर जाकर डट गए। प्रशासन के आदेश पर बगैर मास्क मतदाताओं को प्रवेश नहीं मिला। मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। पीलीभीत में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जारी किया गया नोटिस। जिला पंचायत संभावित प्रत्याशी प्रियंका गंगवार को यह नोटिस जारी किया गया है। बीते दिन 10 गाड़ियों का काफिला लेकर नामांकन कराने बीसलपुर से पीलीभीत पहुंची थी संभावित जिला पंचायत प्रत्याशी प्रियंका गंगवार। बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। पीलीभीत में नामांकन का दूसरा और अंतिम दिन था आज। नामांकन के लिए ब्लॉक पर काफी कम लोग दिखे। ब्लॉक पर शांतिपूर्ण तरह से नामांकन कराया गया। पीलीभीत जनपद के लौरीखेड़ा ब्लॉक का ये पूरा मामला। हाथरस में आज 1636 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ, जहां 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पीएसी के साथ आसपास के जनपदों से हजारों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए थे। अलीगढ़ के सूरतगढ़ में युवक ने पेड़ पर लटककर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से फॉरेंसिक टीम ने नमूने भी लिए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली अतरौली क्षेत्र की पूरी घटना। संभल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जमकर शराब बांट रहे हैं। प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है। माइक लेकर बड़ी जनसभा कर रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। बिना परमिशन के आयोजित की जनसभा में शराब बांटी गई है। कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता की जमकर धज्जी उड़ाई गई। पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला। कानपुर देहात में खेत से वापस आते समय सांड के मारने से एक किसान की मौत हो गई। किसान को मारते देख ग्रामीण लाठी डंडा लेकर दौड़े, फिर भी किसान को बचाने में असफल रहे। युवक को मरा देख परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने थाना पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने शव को रास्ते में रखकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को समझाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के हरबंशपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोविड 19 से बचाव के लिए भले ही सरकार देश भर में टीका महोत्सव मना रही हो, लेकिन अब टीकाकरण पर भी सवाल उठने लगे हैं। बदायूं में एक अधिवक्ता को टीके की प्रथम डोज लगे बगैर ही मोबाइल पर टीकाकरण होने का संदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्हें टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया। जबकि अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें टीका नहीं लगा है। वहीं इस मामले में बदायूं के सीएमओ टेक्निकल एरर की बात कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।